उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जेल में पिछले साल हुई कैदी की मौत की वजह से सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि बिस्तरा रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर अल्कोहल होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार जाकिर के शरीर में इथाइल मिथाइल अल्कोहल के अंश मिले हैं। बिस्तरा रिपोर्ट सामने आने के बाद जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने बाकायदा अपना 11 पॉइंट का बयान लिखित में जारी किया है। उन्होंने बिस्तरा की जांच करने वाले चिकित्सक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने अखिलेश सिंह बिस्तरा रिपोर्ट देखने के बाद मामले को गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच मानव अधिकार आयोग कर रहा है। वहीं डीएम ने कहा कि दिशा निर्देशों के आधार पर जांच करवाकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को जेल में कैद जाकिर की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। तब जिला जेल प्रशासन ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही थी। वहीं सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर जांच करवाने की बात कही है। डीएम ने कहा कि इस प्रकरण की जांच पहले ही मानव अधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है। देखिए, इसमें जो है अभी प्रथम दृष्टया जो मैंने देखा है उसमें जो उसकी बिस्तरा रिपोर्ट है उसमें अल्कोहल की पुष्टि है, परंतु अल्कोहल किस कारण से है इसकी विस्तृत जांच कराया जाना आवश्यक है। वैसे भी ये जो पूरा प्रकरण है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें जांच करा रहा है।